हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ। इस करंट वीडियो सेशन में मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ प्री ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल के, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करते करते हुए सॉल्व करते करते एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंटेंट को जाने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्री ट्रैवर्सल कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली डीएफएस एंड बीएफएस ऐसे दो टेक्निक होते हैं जिससे हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्रैवर्स कर सकते हैं, जिसमें से पहला है डीएफएस स्टैंड फॉर डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक, जो कि डेप्थ में जाके ट्रैवर्स करता है। इसके सब टाइप्स होते हैं, जो है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इनके जो नाम है वो पोजीशन ऑफ रूट नोड पे निर्भर होते हैं। ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, उसका शॉर्टकट लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। आप पहले वो वीडियो देख के फिर ये वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। अगला वाला टेक्निक जो होता है बीएफएस, जो स्टैंड करता है ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक के लिए, जो कि लेवल ऑर्डर ट्री आपका ट्रैवर्स करता है। आगे जाके मैं आपको इस वीडियो सेशन में जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल्स में से प्री ऑर्डर के एग्जांपल्स में आपको दे रही हूँ। जहां तक कि प्री ऑर्डर का सवाल है, हमें ये सिक्वेंस फॉलो करना है जो होता है रूट नोड, लेफ्ट एंड राइट। इस स्लाइड में वही चीज मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ। जहां तक कि प्री ऑर्डर का सवाल है, जिसका सीक्वेंस होता है रूट नोड, देन द लेफ्ट सब ट्री एंड देन द राइट सब ट्री, NLR इन शॉर्ट अगर आपको बोलना है तो। इसे हम प्री ऑर्डर बोलते हैं क्योंकि प्री इसका मतलब है जो रूट नोड होता है वो प्रोसेस होता है लेफ्ट और राइट नोड से पहले, दैट्स वाई द नेम इज प्री ऑर्डर। अभी मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट सीक्वेंस फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हमें स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। तो हमें रूट से स्टार्ट करना है, उसके बाद रूट को हमें चेक करना है कि लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। अगर है तो हमें स्टेप डाउन होना है लेफ्ट चाइल्ड पे और फिर से उसको रूट बना के यही सिक्वेंस कंटिन्यू करना है टिल रूट को लेफ्ट चाइल्ड है। अगर अभी कंसिडर करते हैं कि रूट को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हमें चेक करना है कि राइट चाइल्ड है या नहीं। कंसिडर कर लो कि राइट चाइल्ड है, तो राइट चाइल्ड अगर है तो उसको भी फिर से रूट बना के हमें ये पहले वाले स्टेप्स फिर से फॉलो करना है। दैट इज रूट बना के उसको प्रोसेस करके फिर से हमें चेक करना है लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। सो यही सीक्वेंस कंटिन्यूअसली हमें फॉलो करना है, रूट नोड लेफ्ट राइट, लेफ्ट रूट नोड लेफ्ट राइट एंड सो ऑन। तो अभी देखते हैं, हाँ ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं। तो अभी देखते हैं कि फर्स्ट वाला सिंपल एग्जांपल जिसके लिए हमें फिर से स्टेप फॉलो करनी है रूट लेफ्ट राइट। तो ये हो गया एक सिंपल बाइनरी ट्री, जहां तक कि ए है जो है रूट नोड है, बी उसका लेफ्ट चाइल्ड है, सी उसका राइट चाइल्ड है। यहाँ पे मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको सिक्वेंस में ऑर्डर में दे रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रूट नोड ए से। रूट नोड को मैंने पहले सबसे पहले प्रोसेस कर लिया, फिर चेक करते हैं उसको लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। हाँ ए को लेफ्ट चाइल्ड है, तो हमें स्टेप डाउन होना है लेफ्ट चाइल्ड को और उसको रूट नोड बनाना है। अगर हम इसको रूट नोड बनाते हैं तो हमें उसे सबसे पहले प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद हमें बी को चेक करना है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, उसके बाद हमें चेक करना है बी का राइट चाइल्ड है या नहीं। बी को राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, फिर से ए को पेरेंट नोड रूट नोड बना के उसका राइट चाइल्ड है या नहीं हमें वो चेक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए का राइट चाइल्ड है, तो हमें राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन करके हमें सी को अभी पेरेंट नोड बना के सबसे पहले उसको प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद हमें सी को चेक करना है सी को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। नहीं है, सी को राइट चाइल्ड नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मेरा पूरा ट्री यहाँ पे ट्रैवर्स हो गया है। और अगर मुझे प्री ऑर्डर में ये ट्री ट्रैवर्स करना था तो मेरा ऑर्डर है ए बी सी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी एंड सी। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा वाला एग्जांपल हम देखते हैं जिसपे हम फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे रूट लेफ्ट एंड राइट। अभी ये वाला ट्री आप देख सकते हो, ये ट्री को इन डिटेल मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में स्टेप्स को हाईलाइट करते हुए
जैसे जैसे हम रूट नोड ट्रैवर्स करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो सारी चीजें हाईलाइट करते हुए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो में ये एग्जांपल देखते हो तो आपको प्री ऑर्डर की सारी स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर ये वाला ट्री मुझे प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का ऑर्डर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करने वाली हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं उसके रूट नोड से। रूट नोड क्या है हमारी ट्री का? सो हमारी ट्री का जो है रूट नोड वो है 10। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें 10 को प्रोसेस कर लेना है, इसलिए मैंने 10 को यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। प्रोसेसिंग इसका मतलब है डिस्प्लेइंग, हमें वो कंटेंट उस नोड के इन्फॉर्मेशन पार्ट हमें डिस्प्ले करना है। तो ये हो गया डिस्प्ले करके। अभी 10 को चेक करना है, 10 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10 को लेफ्ट चाइल्ड है, तो हम स्टेप डाउन हो जाएंगे उस लेफ्ट चाइल्ड को। अभी लेफ्ट चाइल्ड को अगर मैं स्टेप डाउन हो रही हूँ तो इस नोड को मुझे रूट बनाना है। ये रूट बना के हमें पहले वो उसे प्रोसेस कर देना है, उसे हम डिस्प्ले कर देना है। उसके बाद हमें चेक करना है 20 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो 20 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा अगला वाला स्टेप क्या होता है, लेफ्ट के बाद हमें क्या करना है, हमें राइट को जाना है। तो 20 को राइट चाइल्ड है या नहीं वो सबसे पहले चेक करना है। तो हाँ 20 को राइट चाइल्ड है, तो हमें राइट चाइल्ड पे स्टेप डाउन हो जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 को मैंने स्टेप डाउन कर लिया, तो मेरा करंट रूट नोड हो गया 30। अगर मेरा 30 रूट नोड हो गया तो सबसे पहले हमें उसको प्रोसेस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने वो उसे प्रोसेस कर लिया। अभी हम 30 का रूट नोड है, तो रूट नोड के बाद हमें क्या देखना है, उसका लेफ्ट चाइल्ड। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। हाँ 30 को लेफ्ट चाइल्ड है, तो हमने उसको सबसे पहले स्टेप डाउन होना है। यहाँ पे हम स्टेप डाउन हो रहे हैं और मेरा 50 जो है वो करंट रूट नोड हो गया, तो हमें उसे प्रोसेस कर लेना है। प्रोसेस करने के बाद हमें 50 का लेफ्ट चाइल्ड चेक करना है, यहाँ पे नहीं है। 50 का राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 50 जो है रूट नोड डिस्प्ले हो कि उसका लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है। तो अभी आगे क्या करना है, आगे जाने के लिए आपको एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, रूट नोड खुद प्रोसेस हुआ है और उसके बाद लेफ्ट और राइट भी हुआ है, या तो वो नहीं है, तो हमें पिछली वाले स्टेप पे जाके अभी 30 को रूट नोड बनाना है। 30 को रूट नोड बनाने के बाद हमें 30 ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, उसका रूट नोड हो चुका है, उसका लेफ्ट सब पार्ट भी हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो रूट नोड हुआ है, लेफ्ट हुआ है, पर क्या बाकी है, उसका राइट चाइल्ड भी बाकी है। तो 30 को राइट चाइल्ड है या नहीं सबसे पहले हमें वो चेक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 30 को राइट चाइल्ड है, तो 30 को अगर राइट चाइल्ड है तो हमें स्टेप डाउन होना है उस राइट चाइल्ड को। और अभी उस राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन होने के बाद हमें 60 को रूट नोड बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हमने स्टेप डाउन होके हमें 60 को रूट नोड बना के उसको हमने डिस्प्ले कर लिया। अभी 60 को लेफ्ट चाइल्ड है क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे 60 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, 60 को राइट चाइल्ड भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी बोला था, हमें पिछले स्टेप पे मूव हो जाना है। अभी पिछले स्टेप पे 20 पे जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 20 का ऑलरेडी ये राइट सब ट्री था जो कि हमने प्रोसेस कर चुका है। अभी हमें 10 पे जाना है। 10 पे अगर आप जाते हो तो आप इस ट्री पे देख सकते हो जिसका लेफ्ट सब ट्री आपका प्रोसेस हो चुका है, अभी राइट ट्री को जाने की जरूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 को चाइल्ड राइट चाइल्ड है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 10 को राइट चाइल्ड है। अभी उसके बाद आप देख सकते हो कि हम 40 को रूट नोड बनाएंगे। रूट नोड बनाने के बाद हमें उसको प्रोसेस करना है। अभी हम उसको प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद हमें चेक करना है कि 40 का लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। 40 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, 40 का राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे स्टेप बैक करने के लिए भी कोई बाकी नहीं है। इसका मतलब है हमारा पूरा ट्री ट्रैवर्स करके कंप्लीट हो चुका है, और ये हो गया आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड, 10 को सबसे पहले हमने रूट नोड बना के उसको प्रोसेस कर लिया, लेफ्ट को जाके 20 को प्रोसेस कर लिया, 20 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसलिए उसके राइट चाइल्ड को जाके 30 को प्रोसेस कर लिया, फिर उसके लेफ्ट पे जाके 50, देन उसके बाद उसका राइट चाइल्ड 60 और बैक जाके 10 का राइट चाइल्ड 40। तो हमारा सिक्वेंस हो गया 10 20 30।
50, 60 एंड 40। तो इस तरह से हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जो हमारे पास ट्री है उसको ट्रैवर्स करके हमारा हो चुका है। अभी हम आगे थर्ड एग्जांपल पे मूव होते हैं जिसपे हमें ये ही स्टेप्स फॉलो करनी है जो कि है रूट लेफ्ट एंड राइट। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नया वाला एग्जांपल मैंने लिया है। उस एग्जांपल में फिर से मैं यहाँ पे उसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वो हर एक नोड जो जो हम प्रोसेस कर रहे वाले हैं उसको मैं डिस्प्ले कर दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसके रूट नोड से। रूट नोड मैंने ए यहाँ पे लिया है, उसको प्रोसेस भी कर लिया है। ए को लेफ्ट चाइल्ड है क्या नहीं आपको चेक करना है, है तो उसको स्टेप डाउन करके उसको रूट नोड बना के उसको भी मैंने प्रोसेस कर लिया है। अभी फिर से बी को चेक करना है कि उसको लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, है उसका लेफ्ट चाइल्ड तो मैंने उसको भी प्रोसेस कर लिया है। डी को लेफ्ट चाइल्ड है तो है, उसको भी रूट नोड बना के उसको भी प्रोसेस कर लिया। अभी जी को लेफ्ट चाइल्ड है नहीं है, जी को राइट चाइल्ड भी नहीं है तो हमें क्या करना है पिछले वाले स्टेप पे वन स्टेप बिहाइंड जाके इस नोड को डी को हमें रूट नोड बनाना है। अभी डी को चेक करना है उसका राइट चाइल्ड बाकी है अभी तो उसको है या नहीं, उसको राइट चाइल्ड नहीं है तो ये भी हो गया। फिर से अब स्टेप अप जाना है और बी को हमें रूट नोड बनाना है। बी को रूट नोड बनाने के बाद आप देख सकते हो कि बी और उसका मतलब कि रूट नोड और उसका लेफ्ट सबट्री हमने कवर कर लिया है तो अभी बी का राइट सबट्री हमें कवर करना बाकी है। तो चेक करो कि बी को राइट चाइल्ड है या नहीं, तो बी को राइट चाइल्ड है तो चाइल्ड राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन होके ई को रूट नोड बना के उसको प्रोसेस कर लेना है। अभी ई को आपको चेक करना है उसका लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, नहीं है राइट चाइल्ड भी नहीं है तो अभी हमें क्या करना है वन स्टेप बिफोर जाके उसको रूट नोड बना के अभी आप देख सकते हो कि ए तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, उसका लेफ्ट सबट्री भी प्रोसेस हो चुका है और अभी इसका राइट सबट्री बाकी है तो हमें चेक करना है कि ए का राइट चाइल्ड है या नहीं। ए का राइट चाइल्ड है इसलिए हमें उसको स्टेप डाउन करके अभी सी को पैरेंट नोड बना के उसको प्रोसेस कर लेना है। अभी चेक करना है सी को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे सी को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हमें राइट चाइल्ड को जाना है, राइट चाइल्ड अवेलेबल है तो हमें स्टेप डाउन करके उसको रूट नोड बना के उसको प्रोसेस करके फिर से चेक करना है कि एफ नोड को मतलब कि अभी करंट रूट नोड को उसका लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, है तो हमें उसको स्टेप डाउन करके उसको प्रोसेस कर लेना है। अभी एच को कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है तो हमें प्रीवियस स्टेप पे जाके एफ को फिर से पेरेंट नोड बना के रूट नोड बना के उसको राइट चाइल्ड है या नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे है इसका मतलब हमें उसको रूट नोड बना के प्रोसेस करना है और उसके बाद आई को लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो आई इज ए लीफ नोड तो हमें क्या करना है हमें यहाँ पे रुक जाना है क्योंकि पूरा ट्री हमारा ट्रैवर्स करके हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉर द गिवन ट्री। अभी इसके बाद आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये एग्जाम्पल फिर से सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है या नहीं। अभी नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 बाय अप्लाइंग द सेम स्टेप दैट इज रूट लेफ्ट एंड राइट। अभी यहाँ पे फिर से आप अगर आपको चेक करना है कि आपको ये समझ में आया है या नहीं फिर से आप वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो ये गिवन ट्री प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करने का और फिर आपका आंसर चेक कर सकते हो मेरे वीडियो के साथ। तो चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे हमें करना है। तो 11 से स्टार्ट करके हमें लेफ्ट चाइल्ड चेक करना है तो है, उससे पहले हमें 11 को प्रोसेस करना है वो कर लिया, लेफ्ट चाइल्ड को मूव होके उसको भी प्रोसेस कर लिया, 22 के लेफ्ट चाइल्ड को मूव होके उसको भी प्रोसेस कर लिया। अभी 44 लीफ नोड है तो हमें फिर से 22 पे जाके उसके राइट चाइल्ड को प्रोसेस करना है तो राइट चाइल्ड को भी प्रोसेस कर लिया। फिर से ऊपर जाके 11 का आप देख सकते हो वो खुद प्रोसेस होके उसका लेफ्ट चाइल्ड भी प्रोसेस हो गया है और अभी उसका राइट चाइल्ड करना है तो वो प्रेजेंट है इसलिए 33 को जाके उसको रूट नोड बना के उसको भी प्रोसेस कर लिया, उसको लेफ्ट चाइल्ड है तो स्टेप डाउन करके 66 को रूट नोड बना के उसको भी प्रोसेस कर लिया। अभी 66 लीफ नोड है तो हमें फिर से ऊपर जाके उसका राइट चाइल्ड है या नहीं वो चेक करके हमें स्टेप डाउन होके 77 को भी प्रोसेस करना है। तो इस तरह से 77 को भी प्रोसेस कर लिया, अभी 77 हमारा रूट नोड है सॉरी लीफ नोड है
तो हमें यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। आप देख सकते हो कि ट्री के सारे नोड ट्रैवर्स करके हो चुके हैं। आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई भी ट्रैवर्सल टेक्निक हो, कौन से भी डेटा स्ट्रक्चर का, तो उसमें सारे नोड्स, सारी हम क्या बोल सकते हैं उसको, नोड्स अगर ट्री है तो सारे वो ट्रैवर्स होने चाहिए, वो सारे कवर होने चाहिए। उसके बाद ये वाला अभी लास्ट एग्जांपल, सारे स्टेप्स वही फॉलो करने हैं, रूट लेफ्ट राइट। और ये वाला एग्जांपल फिर से आप पॉज करके देख सकते हो कि अगर आपको समझ में आया है तो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो 11 को रूट नोड बना के उसको प्रोसेस कर लिया, उसको लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसलिए हम राइट चाइल्ड चेक करेंगे, राइट चाइल्ड है। इसलिए 33 को रूट नोड बना के उसको भी प्रोसेस कर लिया। अभी 33 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं आप देख सकते हो, 33 को लेफ्ट चाइल्ड है तो स्टेप डाउन होके 66 को रूट नोड बना के उसको भी प्रोसेस कर लिया। अभी 66 लीफ नोड है इसलिए एक स्टेप बिहाइंड जाके 33 को फिर से रूट नोड बना के उसके राइट चाइल्ड को जाना है, तो राइट चाइल्ड अवेलेबल है तो स्टेप डाउन टू राइट चाइल्ड 77 को रूट नोड बना के उसको भी प्रोसेस कर लिया। अभी चेक करो 77 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, 77 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसलिए हमें फिर से उसके राइट चाइल्ड को चेक करना है, अगर है तो राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन होके राइट चाइल्ड को रूट नोड बनाना है। तो 22 को रूट नोड बनाने के बाद हमने उसको प्रोसेस भी कर लिया। अभी प्रोसेस करने के बाद फिर से 22 को चेक करो कि लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, है इसलिए स्टेप डाउन टू 44 एज अ लेफ्ट चाइल्ड, प्रोसेस इट एज अ रूट नोड, और उसको लेफ्ट और राइट चाइल्ड कोई भी नहीं है क्योंकि ये लीफ नोड है। फिर से स्टेप अप होके 22 को रूट नोड बना के उसको राइट चाइल्ड है या नहीं वो चेक करो, वो है इसलिए स्टेप डाउन टू 55 उसको रूट नोड बना के प्रोसेस कर लो, और फिर से चेक करो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है या नहीं इन सीक्वेंस, अगर है तो स्टेप डाउन करना है, नहीं तो हमें स्टॉप करना है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ट्री ट्रैवर्स करके हो चुका है, सारे नोड्स जो आपके ओरिजिनल ट्री में थे वो सारे नोड्स आपके ट्रैवर्स हो चुके हैं। और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका आ गया 11, 33, 66, 77, 22, 44 एंड 55। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो और उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट देना भी ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो और पूरा वीडियो सीरीज भी आपको इन टर्म्स ऑफ प्ले लिस्ट में यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विद टेक टॉक्स, थैंक यू।